Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all are doing well. आप लोगों की क्लास के पेपर्स चेक हो गए हैं सारे? कल मैंने कुछ बच्चों के बता दिए थे, दोबारा बता देती हूँ, डिस्कस भी कर लेती हूँ पेपर. कुछ बच्चों ने अच्छा लिखा हुआ था, लिस्ट मैंने बना दी है आप लोगों की, ठीक है? और मैं बता देती हूँ आप लोगों की. मोहम्मद कफील महबूब के हैं 21 नंबर 30 में से, रफाकत रशीद के 24 हैं, खालिद इकबाल के 25, बाबर अली के 18, नईमा फातिमा के 21.5, अब्दुल कदीर के 18, मोहम्मद जिशान के 10 और अताउर रहमान के 14 मार्क्स हैं. मुझे ये 8 ही स्टूडेंट्स के रिसीव हुए थे, उनके ये चेक हो चुके हैं पेपर. तो बच्चे, पेपर अटेम्प्ट करते हुए आपने सबसे पहले क्या करना होता है? आपने सबसे पहले तो पेपर पढ़ना होता है, ठीक है ना? आपने सबसे पहले पेपर अपना रीड करना होता है अच्छे से. फौरन से लिखना स्टार्ट नहीं कर देते. मैं आप लोगों को पेपर की बात बता रही हूँ. आई नो यहाँ पे मतलब आप लोगों के पास मटेरियल भी अवेलेबल था, देख के भी अक्सर बच्चों ने लिखा होगा. मैं आपको पेपर की एक बात बताऊँ, आपने सबसे पहले जी पेपर उठाना है, ठीक है? और उसको देखना जी आपको क्या आता है उसमें से. सब्जेक्टिव पार्ट की बात करी, आपको जो सवाल सबसे बेहतर आता है ना, आपने सबसे पहले वो अटेम्प्ट करना है. फिर उसके बाद जो आपको कम आता है आपने वो, देन उसके बाद एंड पे सबसे जो आपको बिल्कुल ही कम आता है, ठीक है? आपने ये डिसाइड कर लिया, फिर आपने क्वेश्चन के मार्क्स देखने होते हैं. क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आपसे और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपने किस तरह से, आपने पहले वो देखना है. जैसे अब यहाँ क्वेश्चन था, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस, एक्सप्लेन देम. आप लोगों ने अच्छा किया, सब बच्चों ने डायरेक्ट किया वो मेंटल इलनेस से और उसको कर दिया. इस तरह का भी आपसे नहीं भी पूछा ना किसी ने कि डेफिनेशन क्या है ये बताएं. आपने पहले बताना है कि मेंटल इलनेस होती क्या है, फिर उसके बाद ये टाइप्स हैं मेंटल इलनेस की, उनको एक्सप्लेन कर देना बारी बारी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक्सप्लेन साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट विद इट्स टाइप्स. फिर उसकी कुछ टाइप्स थी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की, वो आपने बतानी थी. साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता क्या है और उसकी टाइप्स क्या होती हैं वो बतानी थी, ठीक है? उसमें डिफरेंट वो थी, कॉग्निटिव बिहेवियर था, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी थी, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी थी. ये तीन तरह की थी और आपने ये तीनों डिस्कस करनी थी. कुछ बच्चों ने दो पॉइंट्स डिस्कस किए, कुछ ने सारे किए, कुछ ने कुछ अंदर चीज़ें छोड़ी हुई थी जिसकी वजह से मार्क्स उनके डिडक्ट हुए, बाकी अच्छा लिखा हुआ था. तो आपने सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपने बताना है जी साइकोथेरेपी होती क्या है, ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है. उसमें आपने बताना था ये डिस्ट्रेस एसोसिएटेड विद सिम्टम्स उसको रिड्यूस करने के लिए होता है और कैन इवन यूज टू रिड्यूस द सिम्टम्स देमसेल्व्स. फिर सेवरल वीक्स भी लग सकते हैं, मंथ्स लग सकते हैं इसके बेनिफिट्स आने में. और फिर आपने उसकी टाइप्स पे चले जाना था. फिर डिफाइन करना था प्रोफेशनलिज्म को हेल्थ केयर में. हेल्थ केयर में प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, ठीक है? और डॉक्टर्स प्रोफेशनलिज्म को किस तरह हैंडल करते हैं, एक डॉक्टर की लाइफ में प्रोफेशनलिज्म किस तरह होता है, ये आपने अलग अलग करके बताना था. ये भी 5 मार्क्स का था, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग आपने पेपर को अटेम्प्ट करना होता है. लेकिन जो चीज पूछी गई होती है उसको तो लाजमी आपने सॉल्व करना होता है, ठीक है जी? बाकी हम एमसीक्यूज देख लेते हैं. हु गेव द 7 स्टेज मॉडल ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन, ये आपका क्वेश्चन था जी, कि आपकी क्राइसिस इंटरवेंशन सबसे पहले किसने दी थी. तो ये रॉबर्ट था आपका, रॉबर्ट साहब थे, उन्होंने क्राइसिस इंटरवेंशन की सबसे पहले 7 स्टेज मॉडल दिया था, ठीक है?
नेक्स्ट है, बैरियर्स इन काउंसलिंग आर विच ऑफ द फॉलोइंग? ये जी ऑल हैं, पेशेंट बेस्ड होते हैं, सिस्टम बेस्ड होते हैं और प्रोवाइडर बेस्ड होते हैं। फिर है पैराफ्रेजिंग मीन्स अ प्रोसेस। पैराफ्रेजिंग क्या होता है? पैराफ्रेजिंग हमने पढ़ा था जो पेशेंट ने लास्ट वर्ड्स बोले होते हैं ना उसको रिपीट करना, उसको पैराफ्रेजिंग कहते हैं। तो ये डी ऑप्शन आना था। नेक्स्ट है हु गिव द बायो साइको सोशल मॉडल एंड व्हेन? सब बच्चों ने इसको सी लगाया हुआ है लेकिन ये ए है आंसर, जॉर्ज एंजल 1977। ये आप लोग समझ रहे होंगे, आगे हमने पढ़ा है बीपीएस मॉडल तो वहां होगा। नहीं, ये आप लोग स्टार्ट में आ जाएंगे ना अपने पहले चैप्टर में, ये आप लोगों के जी जो डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड होलिस्टिक मेडिसिन होगा टॉपिक, उसमें पॉइंट है बायो साइको साइक्लो सोशल मॉडल मॉडल सॉरी बायो साइक्लो सोशल मॉडल। ये इसमें दिया हुआ है कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम्स थ्योरी दैट वाज प्रपोज्ड बाय जॉर्ज एंजल एन अमेरिकन साइकाइट्रिस्ट इन 1977। ठीक है, और इसके फिर तीन बायो साइको सोशल मॉडल के तीन थे, बायोलॉजिकल सिस्टम, साइकोलॉजिकल सिस्टम और सोशल सिस्टम, ये तीनों जो थे इसमें आ जाते थे सिस्टम्स जो थे। फिर है एपिलेप्सी इज डिसऑर्डर इन विच डैश अकर। एपिलेप्सी क्या होता है? इसमें रिपीटेड सीजर्स अकर होते हैं। नेक्स्ट था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आर? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की कितनी टाइप्स होती हैं जी? 5 टाइप्स होती हैं। ठीक है, रेजोल्यूशन की, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की, कॉन्फ्लिक्ट की नहीं, रेजोल्यूशन की 5 टाइप्स होती हैं। फिर 7 जो है वो मेरे से गलती हुई थी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मेरे से टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी, मैंने ऑप्शन नहीं दिया और जिसके मैंने सबको फुल पूरा मार्क दिया, एक 1 मार्क एक्स्ट्रा दिया, वो मेरी गलती थी, तो इसलिए मैंने वो किसी का भी मार्क नहीं काटा। और एक बच्चे ने हाईलाइट भी किया हुआ था, मैंने कल भी बताया था। तो हाउ मैनी पिलर्स ऑफ मेडिकल एथिक्स आर देयर? 3 पिलर्स, सॉरी पिलर्स आई थिंक कितने थे, 3 या 4 थे पिलर्स ऑफ मेडिकल एथिक्स, 4 थे जी, ऑटोनोमी, बेनिफिसेंस, नॉन मेलिफिसेंस एंड जस्टिस, 4 थे। ठीक है, तो पिलर्स मेडिकल एथिक्स के 4 हैं। नॉर्मेटिव एथिक्स में बी वॉट इज राइट एंड रॉन्ग, देन डिफेंस ऑफ बैड न्यूज इज एक्सप्लेन बाय ए बी सी डी ई। ठीक है, फिर स्कूल एज कंसिस्ट ऑफ ड्यूरेशन, ये 6 से 12 ईयर्स की होती है। हु स्टडीड द हेरिडिटी एंड ह्यूमन बिहेवियर फॉर द फर्स्ट टाइम? ये फ्रांसिस गैल्टन था, गैल्टोब नहीं है, ये गैल्टन है, ये सही कर लीजिएगा। साइकोलॉजी डील्स विद ह्यूमन माइंड, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इननेट बिहेवियर मीन्स बोथ बी एंड सी, इंट्रिंसिक और इनफ्लेक्सिबल, एक्सट्रिंसिक तो लर्न्ड होता है ना। देन है जीन थेरेपी, जीन थेरेपी इज अ रिपेयर ऑफ जीन। नेक्स्ट एंड लास्ट एमसीक्यू वाज टू ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स आर हेलुसिनेशंस एंड डिलीजंस। हेलुसिनेशंस का होना और डिलीजंस का होना, एक बच्ची ने पूछा हुआ था मुझसे डिफरेंस उसका, तो मैं आप लोगों को अगेन बता देती हूँ। हेलुसिनेशंस होती हैं जब आपको ये लगे कि जी मेरे इर्द गिर्द कोई मुझे आवाजें दे रहा है, ठीक है, या आपको कोई ऐसी चीज नजर आए जो दूसरों को नहीं नजर आ रही, आपको अपने इर्द गिर्द कोई प्रेजेंस फील हो, आवाजें आए, या कोई आप ऐसी ख्याल सोच रहे हो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, और डिलीजंस होता है आपका एक इंसान का अपना खुद हाइपर एक्टिव हो जाना और सोचना जी फलाना तो मेरे से इस तरह से फीलिंग्स रखता है या मुझसे जेलस होता है, अजीब किस्म की परसेप्शंस रखना जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती। ठीक है, तो ये हेलुसिनेशंस और डिलीजंस में फर्क होता है। ये था जी आपका पेपर, अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। हमने एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज पढ़ी थी, उनमें हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज की, टेलीकम्युनिकेशन करते हैं, इंटरचेंज होता है, मोशन बाय यूजिंग टेलीफोन्स और फैक्स मशीन्स, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में इंटरेक्शन होता है ग्रुप ऑफ पीपल का, आप ऑडियो वीडियो मीडिया यूज कर रहे होते हो,
और ग्रेट पोटेंशियल है फॉर यूज टू होल्ड मीटिंग्स अमंग मैनेजर्स. इसमें पीपल ना सिर्फ एक दूसरे को सुन सकते हैं बल्कि एक दूसरे की एक्सप्रेशंस भी देख सकते हैं थ्रू वीडियो कॉलिंग. कंप्यूटर्स, पता है हमें, ये डिवाइस हैं एबल टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन. द यूज ऑफ कंप्यूटर मेक्स इट पॉसिबल टू हैंडल लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा. इसमें बहुत सारा डाटा आप स्टोर करके रख सकते हैं और जब आपको जरूरत पड़े आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू आप दूसरे कंप्यूटर्स से लिंक में रह सकते हैं, एडवांटेज शेयर करते हैं आप. सॉरी ग्लास. इट शेयर्स द एडवांटेज ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन एज फीडबैक एटसेट्रा. और पेपर वर्क जो है वो कम से कम इसमें इस्तेमाल होता है और आपका टाइम भी बच जाता है, कॉस्ट भी बच जाती है जो पेपर पे लग रही होती है. आप सिर्फ मेल्स डायरेक्ट कंप्यूटर के थ्रू भेज रहे होते हो दूसरे कंप्यूटर्स पे. देन वी स्टडीड इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम्स. कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन लिंक वाया टेलीफोन या इंटर आई केबल्स या इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम इसको बोलते हैं. आप केबल्स के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू दूसरे कंप्यूटर के साथ लिंक कर रहे होते हो, कम्युनिकेट कर रहे होते हो. और ये इंडस्ट्री डेटा और फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में आपको बताता है, गैदर करता है उन चीज़ों को. इंटरनेट आपकी बहुत ही वास्ट एप्लीकेशन है कंप्यूटर नेटवर्किंग की. लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आप इकट्ठी कर सकते हो और आपको मिल सकती है जब आप चाहो इंटरनेट यूज़ करके. ये थी जी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज जो हम यूज़ करते हैं अपनी आज की ज़िंदगी में और बहुत हेल्पफुल भी है. अब ये कुछ चीज़ें हैं कि अडेप्टेशन फॉर इंडिविजुअलाइज्ड नीड्स. कुछ लोगों की ऐसी ज़रूरियात होती हैं जब आपने कम्युनिकेट करना है, आप एक बंदे को चाहिए जो सेंडर है, कम्युनिकेट करते हुए उसको अगले की उन ज़रूरियात का ख्याल होना चाहिए. ठीक है, अब वो कौन कौन सी हैं. नंबर वन, डिसेबिलिटी. किसी को भी फिजिकल इम्पेयरमेंट हो सकती है, कोई कम सुनता है, कोई कम देखता है, लर्निंग डिफ़िकल्टी होती है, उसको समझ नहीं आती बातों की. तो इस तरह की जिस इंसान में डिसेबिलिटीज़ हैं तो कम्युनिकेटर को चाहिए कम्युनिकेट करने से पहले उन चीज़ों का ख्याल रखे कि उस प्लान बनाए कि उसको किस तरह से उस बंदे को अपनी बात कन्वे करनी है. डिसेबिलिटी, फिजिकल इम्पेयरमेंट. इम्पेयरमेंट होता है खराबी, कोई भी फिजिकल रिलेटेड आपकी बॉडी से रिलेटेड, वो हियरिंग आपके सुनने से, वीएन होता है, वीएन इम्पेयरमेंट आपकी आंखों की नज़र कमजोर होना, लर्निंग डिफिकल्टी समझ ना आना बात, इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए. नंबर टू, लिटरेरी अदबी बातों का ख्याल होना चाहिए. खुद से ही फॉल्स अजम्पशंस अबाउट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस आपने नहीं बना लेनी, उसके लेवल ऑफ जो इंटेलिजेंस उसका होगा उसके अकॉर्डिंग आपने बात करनी है. लैंग्वेज का ख्याल रखना है. हमने पढ़ा था लैंग्वेज और कल्चर रिफ्लेक्ट करते हैं एक दूसरे को. यहाँ सिक्स्थ पॉइंट पे कल्चर है और लैंग्वेज, इनको बल्कि साथ भी लिख देना चाहिए. जो लैंग्वेज है, जुबान, उसका ख्याल होना चाहिए. बात आपने उस जुबान में करनी है कि उसको समझ आ सके. आपको नहीं आती है उसकी जुबान ना सही, लेकिन उस कॉमन जुबान में इस्तेमाल कर लें ताकि उसको समझ जरूर आ जाए. जेंडर का ख्याल रखें. जेंडर मीन्स आप बुजुर्ग से बात कर रहे हैं या लेडी से बात कर रहे हैं, किसी मर्द से या औरत से, उन जेंडर्स का एहतराम करते हुए बात करें. एज का ख्याल रखें. उम्र बड़ी है तो एहतरामन बात करें, छोटी है तो शफकत से बात करें. एक्सपीरियंसेस हैं जिनके, उनको मद्देनज़र रखते हुए, ये इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी फर्दी औसाफ हों, उनके हिसाब से आपने बात करनी है, उनको समझते हुए मद्देनज़र रखते हुए बात करनी है. कैन हैंडल द क्रिटिकल सिचुएशंस, इस तरह से बात करनी है कि आप क्रिटिकल सिचुएशन कोई भी पैदा हो जाती है या कोई भी गुजर रहा है उसको हैंडल आप करते हुए बात करो, किसी को तकलीफ ना पहुंचे, किसी की दिल आजारी ना हो आपकी बात से. ठीक है, कल्चर हमने बताया, उनकी रवायात के मुताबिक आपने बात करनी है. किसी की रवायात बहुत सख्त किस्म की होती है, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, तो ये नहीं आपने जाते ही अपना पैगाम पहुंचाते पहुंचाते उसके ठा बात करनी है जी ये तो आप कर ही गलत रहे हैं, इस तरह से नहीं बात करनी. रिमोट लोकेशन, डिस्टेंस ट्रेवल, फिर आपने दूर दराज के मकाम तक अगर बात पे जानी तो उसका भी ख्याल रखना है, किस तरह से कोई आपके पास चल के आया है या आप गए हो. तो इस तरह हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए बात करनी होती है. ठीक है जी, तो क्या अडेप्टेशंस थी. फॉर इंडिविजुअलाइज नीड्स, डिसेबिलिटी, फिजिकल इम्पेयरमेंट, हेयरिंग और वीएन इम्पेयरमेंट, लर्निंग डिफिकल्टी. कोई भी आंखों का मसला हो सकता है, कानों का मसला हो सकता है, किसी को कम सुनता है,
कोई डिसेबिलिटी इस तरह की है, किसी को समझ नहीं आ रही, या कोई अदबी किसी के साथ मसाइल हैं, कोई इतना लेवल ऑफ इंटेलिजेंस नहीं है किसी का, लैंग्वेज आपने वो इस्तेमाल करनी है जो अगला समझ सके, कल्चर के मुताबिक बात करनी है, रिमोट लोकेशन आपने दूर दराज मकामात वाल को भी मद्देनजर रखना है, उन तक बात कैसे पहुंचानी है, क्रिटिकल सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं नहीं कर सकते इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, जेंडर का ख्याल रखना है, एज का ख्याल रखना है, अगले के तजुर्बात का ख्याल रखना है और उनके औसाफ का ख्याल रखना है। ये सारी चीज़ें आपने अडेप्टेशंस होते हैं उन चीज़ों के मुताबिक खुद को ढालना, अडेप्ट करना माहौल के मुताबिक, एडजस्ट करना खुद को, ठीक है। तो अडेप्टेशंस फॉर इंडिविजुअलाइज नीड्स, दूसरों की ज़रूरियात के मुताबिक खुद को एडजस्ट करना, ढालना। अब नेक्स्ट है जी वेज टू अडेप्ट द नीड्स ऑफ अदर्स, दूसरों की जो ज़रूरियात हैं उनको आपने अडेप्ट कैसे करना है, वो कौन से तरीके हो सकते हैं। नंबर वन, फेशियल एक्सप्रेशंस, आप फेशियल एक्सप्रेशन से बात करो, हाथों के इशारों से और बॉडी के इशारों से बात करो, लेकिन ये भी नहीं करना कि आप कोई एक मेंटल इलनेस है किसी को और उसके सामने आप बहुत ज़्यादा हाथों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो अननेसेसरी यूज ऑफ दीज वेज नहीं करना आपने कि अगला तंग आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज डेफ, एक आदमी जो बहरा है, मी नीड अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटरप्रेटर, उसको खास किस्म का बंदा चाहिए होगा समझने के लिए जो आप बात कहना चाह रहे हो, उसको समझाने के लिए इशारों के थ्रू, इंटरप्रेटर होता है समझाने वाला बात को। स्पेशलाइजिंग इन आइदर लैंग्वेज और लिसनिंग स्किल्स, जो माहिर हो जुबान उस बंदे की समझाने में या लिसनिंग स्किल सुनने में, ठीक है, जो डेफ हो पर्सन उसको। थर्ड है, पेन्स और नोटबुक्स में क्रिएट बैरियर्स, जो आपकी नोटबुक्स होंगी या जो आपके कलम होंगे वो बैरियर्स क्रिएट कर सकते हैं, किस में, जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो एक ऐसे बंदे के साथ हु इज इलिटरेट, जो पढ़ा लिखा नहीं है, विद इन अ कम्युनिटी, उस कम्युनिटी में वो रह रहे हैं जहाँ पे कोई बिल्कुल ही लिटरेसी के मतलब पढ़ाई के कोई रेट ही नहीं है, लो लेवल ऑफ रेट है, ठीक है। तो वहां पे आप जी उसके सामने कलम और किताब लेके खड़े हो तो उसने तो पागलों की तरह ही देखना है ना आपको कि ये बंदा कर क्या रहा है मेरे सामने, आप अपनी पढ़ाई का रोब झाड़ रहे हो उस पे और उसको कुछ समझ ही नहीं आ रही। तो आपने ख्याल रखना है इस तरह की चीजें आपने रखनी है, आप कोई इंफॉर्मेशनल वीडियोज बना लो इस तरह की, उसको समझ आ जाए बात एनिमेशन के थ्रू। अक्सर हम लेक्चर्स जैसे होता है आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमें समझ नहीं आ रही होती है, तो हम क्या करते हैं, विजुलाइज करके देखते हैं उसको, वीडियोस के थ्रू देखते हैं, अच्छा जी मैदा यहाँ प्रेजेंट होता है, आपकी पित्ता यहाँ प्रेजेंट होता है, ब्लड ऐसे मूव कर रहा होता है, नर्व्स हमारी ऐसे मूव करती हैं, वीडियो देख के हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। तो हमें तो नहीं बताता ना उन चीज़ों का, हमने देखी नहीं है, वीडियो देखेंगे हमें समझ आ जाएगी। इसी तरह जो अनपढ़ है उससे आपने बात करनी है तो आप उसको बजाय इसके कि नोटबुक्स और पेंस के थ्रू समझाएं, आप उसको अपने कम्युनिकेट करें इन्फॉर्मेशनल वीडियोस दिखा के, जो बात आपने पहुंचानी है उन तक, जो पैगाम पहुंचाना है। ये तरीके हैं किसी को बात कम्युनिकेट करने के, समझाने के, इस तरह से वेज टू अडेप्ट द नीड्स ऑफ अदर्स थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड सिग्नल्स एंड बॉडी सिग्नल्स। आप अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से समझा दें किसी को बात, या हैंड सिग्नल्स के थ्रू, हाथों के इशारे से या बॉडी के इशारों से, और ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना इन चीज़ों का, जो मेंटल इलनेस से गुजर रहा है उसके सामने, वो तंग भी आ सकता है। फिर एक ऐसा पर्सन जो डेफ है, उसको बहरा है, उसको ख़ास किस्म के बंदे की ज़रूरत है जो उसकी ज़ुबान जानता हो, उसको पढ़ के बता सके जी कम्युनिकेटर आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है, या सुन सके जो डेफ है आपको समझाना चाह रहे हैं कि उसको बात समझ आई है या नहीं समझ आई है। फिर पेंस एंड नोटबुक्स में क्रिएट बैरियर्स, ये मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं उस बंदे के सामने जिसके साथ आप कम्युनिकेट करें और वो अनपढ़ है, इस इलाके उस ऐसे इलाके में वो रह रहे हैं जहाँ पे कोई पढ़ाई का माहौल ही नहीं है, तो वहाँ पे आपको चाहिए कि आप मालूमाती वीडियोज दिखा दें उसको और अपना पैगाम पहुँचा दें ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा, यही एक अच्छे कम्युनिकेटर की निशानी होती है। तो ये हमारा लेक्चर था आज का, अडेप्टेशंस होती क्या है, डिसेबिलिटी का ख्याल रखना है, फिजिकल इम्पेयरमेंट का, वो हेयरिंग और वीजन इम्पेयरमेंट हो सकती है, लर्निंग डिफिकल्टी हो सकती है, अदबी हो सकती है, लिटरेरी, फॉल्स अजम्पशंस अबाउट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, लैंग्वेज,
का ख्याल रखना है, जेंडर, एज, एक्सपीरियंसेस, इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स का ख्याल रखना है, कैन हैंडल द क्रिटिकल सिचुएशंस देखना है कि आप जो मुश्किल सिचुएशंस हैं उनको हैंडल कर सकते हो, नहीं अगला किन मुश्किल से गुजर रहा है उसको भी नज़र रखना है, कल्चर को, अगले की रवायात को, रिमोट कंट्रोल, डिस्टेंस ट्रैवल, किस तरह पैगाम पहुंचाएंगे दूर दराज के इलाकों वाले लोगों को, मकामी लोगों को, ठीक है। फिर आपकी जी इन सारी चीज़ों को आपने अडेप्ट कर लिया है, तो उसके क्या तरीके होंगे टू अडेप्ट द नीड्स ऑफ अदर्स, कैसे आप उनको मद्देनजर रखते हुए कौन से तरीके इस्तेमाल करेंगे वो हम देख चुके हैं। फेशियल एक्सप्रेशन हैं, हैंड सिग्नल्स हैं, बॉडी सिग्नल्स हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटरप्रेटर होगा फॉर अ डेफ पर्सन, और पेन्स और नोटबुक्स आपने इस्तेमाल नहीं करनी है ऐसे बंदे के लिए जो अनपढ़ हो, इलिटरेट हो, उस ऐसे कम्युनिटी में रहता हो जहाँ लो रेट्स ऑफ लिटरेसी हो, वहाँ आप मालूमाती वीडियोस दिखा के, इंफॉर्मेशनल वीडियोस दिखा के कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, आई होप यूल एंजॉय इट, और किसी का कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क। ना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।